जहाज पे तो एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो गई है। यहाँ पे लंगूर आ गया है और हम ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या करना है। सो चलते हैं लंगूर को ढूंढने। तो बोसन, मैं और ओवेस निकल गए हैं बंदर की तलाश में। दिस इज आवर टीम टू कैच द मंकी। चीफ ऑफिसर बोसन एंड ओवेस विद द स्टिक इन हैंड। भाई हम लोगों ने अकोमोडेशन तो पूरा छान मारा, लेकिन अभी तक हमें लंगूर मिला नहीं है। तो लगता है हमें शिप पे डेक पे जाना पड़ेगा। और ये जहाज 3 से 4 मीटर लंबा है, तो आप सोच सकते हो कि सर्च करने में कितना टाइम जाने वाला है। सो अभी हम जा रहे हैं पूर डेक पे। ये है पूप डेक एरिया। पता नहीं बंदर कहाँ जाके बैठा है। तो भाई पूरा अकोमोडेशन और पूप डेक देख लिया, बट बंदर लंगूर हमें नहीं मिला। अभी हम सोच रहे हैं कुछ केले लेके आते हैं और उसको गैंगवे पे रखेंगे और शायद वो केला खाने के लिए आए। आई थिंक वी कैन सी दिस मंकी। जो लंगूर जो है सामने बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है, बट थोड़ा पास जाना पड़ेगा उसके लिए। एंड फिर हमें भागना भी पड़ेगा क्योंकि वो हमारा पीछा करेगा जरूर। हमें लग रहा था बंदर है, लेकिन वो बंदर नहीं, वो लाइफ राफ्ट है। ओह माय गॉड, ये जो लाइफ राफ्ट है ये हमें लग रहा था बंदर। ये रहा बंदर, फाइनली हमें मिल गया है। ये देखिए, ये ऊपर बैठा है, ऊपर मंकी। सो फाइनली हमारी मेहनत बेकार नहीं हुई और हमें बंदर मिल गया है। वो देखिए, हम आपको दिखाते हैं बंदर। वो भी हमारी तरफ ही देख रहा है। ये लगता है अटैकिंग पोजीशन में आ रहा है, इसीलिए से दूर रहो। बंदर हमें मिल गया है और वो हमारे पीछे आ रहा है। ओ अटैक कर। मंकी दोबारा आ गया। हम इसको नीचे ढूंढ रहे थे, अब इसको हम बहुत करीब से देख सकते हैं क्योंकि ये शीशे के उस तरफ है। अभी हमें कुछ नहीं कर सकता है। ट्राइंग टू अटैक। मंकी इज ऑन द मंकी आइलैंड नाउ। तो बंदर की वजह से हमें डालना पड़ा है और बंदर देखो वहां पे मजे कर रहा है। फॉरवर्ड में एकदम मास्क में ऊपर जाके बैठा हुआ है और अभी टीम आएगी बंदर को पकड़ने के लिए। एंड देखते हैं वो बंदर को कैसे पकड़ते हैं, बिकॉज बंदर बहुत ही तेज है, एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है। लेट्स सी, आई विल ट्राई टू शूट दैट इफ पॉसिबल। अभी जो है बंदर पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम आ चुकी है जहाज पे, 2 लोगों की, और वो हमने साथ में इक्विपमेंट्स लेके आए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। सो ये लेके आए हैं 2 ट्रैप। ये बड़ा ट्रैप है एंड अंदर बिस्किट और केले रखे हुए हैं ताकि बंदर जो है वो इधर से जाएगा एंड जैसे ही केला खाएगा बंद हो जाएगा, सेम लाइक अ रैट ट्रैप। देन वी हैव अनदर, दिस इज अ जग ट्रैप। तो इसके अंदर भी रखा हुआ है खाना। जैसे ही बंदर अपना हाथ अंदर डालेगा ये यहाँ से बंद हो जाएगा और बंदर का हाथ फंस जाएगा। और ये तीसरा ट्रैप है, इसके अंदर भी केला रखा हुआ है। सो देखते हैं बंदर को कैसे पकड़ते हैं हम। तो सबसे पहले हमें बंदर को ढूंढना था, बिकॉज बंदर बहुत तेज है, इधर उधर भाग रहा है। तो हमने उसको ढूंढ लिया है। पोर्ट साइड पे 02 में है, अब हम वहाँ जा रहे हैं। बंदर जो है बहुत ही तेजी से अपनी लोकेशन बदल रहा है, पोर्ट साइड, साबट साइड, फॉक्सल, अलग अलग जगह पे जा रहा है। शायद हम लोग को देख के बंदर जो है नीचे नहीं आ रहा है, तो अभी हम लोग पीछे आ चुके हैं। बंदर जो है वो इसके पीछे है। सो हम लोग यहाँ आ चुके हैं, ट्रैप लगा दिया है हमने। देखते हैं कि ट्रैप काम करता है नहीं करता है। देखो बंदर जो है उधर कंटेनर के ऊपर जाके बैठ गया, ऊपर। बहुत ही खतरनाक बंदर है ये, लंगूर है एक्चुअली, ये बंदर नहीं है, लंगूर है। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई है कि ये जो है केला खा नहीं रहा है बंदर, लंगूर। और जो लोग ये आए हैं पकड़ने के लिए बोल रहे हैं कि ये केला नहीं खाएगा, ये पत्तियां खाएगा। तो अब ये लोग पता नहीं पत्तियां कहाँ से लाएंगे। फाइनली हमने लंगूर पकड़ लिया है। ये रहा लंगूर,
पिंजरे के अंदर। हेलो मंकी। बेचारा जो लंगूर है वो हमारे साथ ही है, तो अभी वो हमारे साथ ही रहेगा, देखते हैं कब तक, जब तक कि कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आते। और हम उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं अच्छे से, हम उसे रोज खाना पानी सब देते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं अपने मंकी से। ये है हमारा लंगूर। बंदर को जो है लंगूर को बहुत प्यास लग जाती है, तो उसको थोड़ा पानी बंदर को खिलाने के लिए यहाँ पे गाजर छीले जा रहे हैं, एप्पल है, बीटरूट है, आइसबर्ग लेट्यूस है और खीरा है। मतलब बंदर की पूरी सेवा हो रही है मस्त एकदम। दो तीन दिन से लंगूर से मिलने नहीं आया मैं, तो सोचा कि चलो आज मिलते हैं, देखते हैं कहाँ है लंगूर। ये देखो यहाँ है, बेचारा दुबका हुआ है एक कोने में, बहुत ही परेशान है, दुखी सा लग रहा है क्योंकि अपने घर नहीं जा पा रही है, शायद ठंडे भी लग रही होगी। हेलो हेलो मंकी। मंकी तुमने कुछ खाया? ये तो कितने सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ तो खाओ। उसको थोड़ी भूख भी लग रही है, लगता है उठा के अभी खाना खा रही है, फ्रूट्स सेब खा रही है, हमने इसको सेब और सारे फ्रूट्स दे रखे हैं। इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी लग रही है, देखो एक कोने में ऐसे ये देखो ये दुबका हुआ है कोने में, इसको ठंडी लग रही है, लगता है ऊपर से कुछ कपड़ा डालना पड़ेगा। सो अभी मैंने इसके ऊपर टारपोलिन डाल दिया है ताकि इधर से हवा नहीं जाए और लंगूर जो है अंदर आराम से बैठ सके। बड़े दिनों से इससे मिला नहीं था मैं, तो सोचा चलो इससे मिलते हैं। देखो बंदर इसने सारा खाना नीचे गिरा दिया है, ये कैसे खाएगा? ये लो खाओ, लो इसको, ये देखो कैसे खा रहा है मस्त एकदम। ये बंदर भी अभी एकदम बच्चे की तरह करने लगा है, इसको ना खिलाना पड़ता है हाथ में। ये देखो कैसे इसको भूख लग गई है। यहाँ पे देखो इसका कलर एकदम क्लियर दिख रहा है, ये ब्लैक पैर है, पंजे ब्लैक है, ऊपर हल्का सा सिल्वर जैसा है लंगूर। और खाना है? और भूख लगी है? ये ले ये ले ये ले। ये इसको पसंद नहीं आ रहा, ये हमने इसको क्या दिया था, ये कद्दू है, कद्दू नहीं खा रहा, ये सिर्फ सेब गाजर मूली ये सब खा रहा है। गिव मी हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। ओके, बाय 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 बाय।